मालपुए खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन इनको बनाना सबको बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस मुश्किल को आज मैं आसान बना देती हूँ। आज हम जो मालपुए बनाएंगे उनको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आसान तरीके से मालपुए बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना की रसोई। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मालपुए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम मालपुए बनाना। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल चीनी का लिया है और उतने ही क्वांटिटी में मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी इलायची। इलायची को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ केसर, सैफरन और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब भी चाशनी बनाएं तो इसको हिलाते रहें, नहीं तो क्या है जो चीनी है वो हमारी नीचे चिपक जाएगी तो फिर जिससे चाशनी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हिलाते रहेंगे हम जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक तार की चाशनी ही बनानी है, हमें सिर्फ ऐसी चाशनी बनानी है जिसमें कि हमारे मालपुए अच्छे से डिप हो जाए। हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा हम इसे हिलाते रहेंगे। जो हमारी चाशनी है ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम अपना गैस जो है वो बंद कर देंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हम अपना मालपुए का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप मैदा, ये 200 ग्राम मैदा है। इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दूध। इसमें हम दूध डालकर इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। ये देखिए, ये ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना पड़े। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। ये मिक्सचर अभी भी बहुत गाढ़ा है, मैं इसमें अभी और दूध डाल रही हूँ। सारा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसका एक पतला सा बैटर बनाएंगे, ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाना है हमने। ये बैटर अभी भी बहुत गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमने ऐसे ही रखनी है। ये देखिए, ये ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये बैटर हमारा तैयार है और अभी हम इससे मालपुए बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है, इसमें मैंने घी डाल लिया है। आपने जब भी मालपुए बनाने हैं तो ये याद रखना है कि जो पैन आपने लेना है वो फ्लैट सरफेस का हो। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लैट सरफेस का पैन लिया है। अभी चलिए हम इसमें अपने मालपुए डालकर देखते हैं। ये हमारा तेल गरम है, इसमें मैं डाल रही हूँ अपना बैटर। ये मीडियम फ्लेम पर ही डाला है मैंने इनको। जब भी हम इनको डाल देंगे तब हम अपनी जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई कर देंगे। मैं इनकी साइड्स को पलट रही हूँ। ये देखिए, ये पूरी की तरह फूल रहे हैं और कितने अच्छे बन रहे हैं। ये हमारे मालपुए बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनको भी हम ऐसे एक छलनी में रख लेंगे और साथ के साथ इन सबको इकट्ठा ही स्क्वीज कर देंगे ऐसे।
और साथ ही में मैं इनको डाल दूंगी चाशनी के अंदर। अब मैं इनकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इनको ऐसे एक मिनट के लिए डिप रहने देंगे। इस चाशनी में से बाहर निकाल रही हूँ इनको हल्का सा प्रेस करके, और इनको एक प्लेट में निकाल लिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मालपुए रेडी हैं। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो देख क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए और बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके मालपुए कैसे बने। हम इसे रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है और टेस्ट भी डबल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।